सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। तो गाइस ये वाली वीडियो ना बहुत दिनों के बाद आ रही है, यानी कि दो हफ्तों के बाद ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए भाई मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। तो प्लीज मुझको माफ कर देना कि इतने लेट मेरी ये वाली वीडियो आई है। एंड भाई आप सभी लोगों को जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उन सभी को दिल से थैंक्स, क्योंकि आप सभी लोगों ने मेरे 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए गाइस। थैंक्स, लव यू। और भाई जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड कमेंट में अगर आप लोगों को शॉर्ट आउट चाहिए तो बता देना। और भाई जो आप लोग मेरे पीछे वो वाला आयरन फार्म देख रहे हो ना भाई, वो वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी उसकी बनाकर, एंड वो वाली वीडियो ना डिलीट हो चुकी है। उस वीडियो पर 100+ व्यूज जाने वाले थे, एंड भाई तभी वो वाली वीडियो मैं गलती से डिलीट हो गया। मतलब कि मेरी दो वीडियो यहाँ पर खराब हो चुकी हैं, एक तो ये वाली एंड एक मैंने पहले बनाई थी जो कि मैंने अपलोड तो नहीं की थी, जिसमें मैंने डायमंड वाला आर्मर बनाया था, तो वो वाली वीडियो डिलीट हो गई। एंड भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है यार जब ऐसा किसी के साथ होता है, भाई आप मेहनत करते हो और वो बेकार चली जाती है। तो अगर इसी वाली बात को रखते हैं साइड, और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं गोल्ड प्लस एक्सपी फार्म, जहाँ से हम लोग को गोल्ड भी मिलेगा एंड एक्सपी भी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। लाइक जरूर से कर देना, जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दो। एंड भाई हम लोग चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले का जितना भी हम लोगों के यहाँ से सामान चाहिए उसको सारे को हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोगों को थोड़े से स्टोन की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर, तो उसको भी हम लोग ले लेते हैं। हमारे पास काफी सारा स्टोन है, बिल्कुल भी कमी नहीं है यहाँ पर स्टोन की। एंड गाइस हमारे पास बहुत ही सारा ऑब्सीडियन है, उसकी भी जरूरत है। जो हमारे घर के पीछे लावा पूल थे ना गाइस, वहां से मुझको काफी सारा यहाँ पर ऑब्सीडियन मिल चुका है। वहां पर दो लावा पूल थे बहुत ही बड़े बड़े, एंड वहां से हम लोग को काफी सारा ऑब्सीडियन मिल चुका, आप लोग देख ही सकते हो। तो इनको भी हम लोग ले लेते हैं। एंड थोड़े से हम लोगों के यहाँ पर ग्लास भी चाहिए होंगे, तो इनको भी हम लोग ले लेते हैं। एंड हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी चेस्ट भी चाहिए होगी, तो फटाफट से हम लोग इनको भी क्रिएट कर लेते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पर थोड़े से ऑब्जर्वर भी बना लेता हूँ। हम लोगों को यहाँ पर ना 10 ऑब्जर्वर की तो जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हमारे ऑब्जर्वर यहाँ पर बन चुके हैं। तो अभी ना हम लोगों को थोड़े से होपर भी बनाने पड़ेंगे, तो मैं फटाफट से चलता हूँ आयरन फार्म पर। बहुत सारा आयरन यहाँ पर लेकर आता हूँ मैं। एंड हम लोगों को यहाँ पर 4 होपर की जरूरत पड़ने वाली है, एंड बारिश भी अभी स्टार्ट होनी थी यार, तो जल्दी से हम लोग लेकर आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आयरन। ओके, तो ये रहा हमारा आयरन फार्म, एंड यहाँ पर बहुत सारा आयरन इकट्ठा हो चुका है। तो फटाफट से सारे आयरन को हम लोग ले लेते हैं, एंड अभी फटाफट से हम लोग हमारे हाउस पर चलते हैं। तो गाइस हमारे होपर भी बन चुके हैं, एंड अभी हम लोगों को थोड़ी सी बकेट की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर 7 बकेट बना लेता हूँ। मेरे को तो लगता है कि यहाँ पर 7 बकेट इनफ है यार, इससे ज़्यादा हम लोगों को काम नहीं आने वाली, तो हम लोग 7 बकेट ही बना लेते हैं अभी के लिए। तो गाइस अभी ना मैं यहाँ पर वाटर बकेट लेने आया हूँ, तो मेरे को यहाँ पर 2 वाटर बकेट की जरूरत पड़ने वाली है। हम लोग वहाँ पर जाकर ना अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेंगे, तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर 2 वाटर बकेट अभी के लिए ले लेते हैं। एंड हम लोगों को 2 लावा बकेट की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो हम लोग फटाफट से उसको भी लेकर आते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर ना लावा बकेट भी लेकर आ चुका हूँ, 2 लावा बकेट। एंड यहाँ पर अभी ना शाम भी हो चुकी है, एंड जल्दी से अभी यहाँ पर रात भी हो जाएगी। तो फटाफट से हम लोग सबसे पहले हमारे घर चलते हैं, एंड फिर अगले दिन हम लोग हमारा फार्म बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी रात हो चुके हैं, हम लोग जल्दी से यहाँ पर सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी हो चुका है सुबह, एंड हम लोग अभी चलते हैं हमारा फार्म बनाना। एंड हम लोगों को एक टॉर्च की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोगों ने यहाँ से ले लिया। एंड भाई हम लोगों को एक एरिया ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ पर बनाए हमारा फार्म, तो फटाफट से उस एरिया को भी हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो गाइस हम लोगों को एरिया तो मिल चुका है, एंड यहीं पर हम लोग हमारा फार्म बना लेंगे। तो सबसे पहले इस एरिया को ना प्लेन करना पड़ेगा, तो मैं फटाफट से इस एरिया को प्लेन करता हूँ। गाइस मैंने यहाँ पर सवल बनाने के लिए आया था, भाई मेरे पास सवल नहीं है, तो जल्दी से हम लोग एक सवल बना लेते हैं यहाँ पर। एंड भाई हम लोग सवल बना लिए, एंड अभी हम लोग चलते हैं सीधा एरिया को प्लेन करते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने भी इस एरिया को प्लेन कर दिया, जितना मेरे से प्लेन हो सकता था मैंने उसको उतना प्लेन किया है, तो ये ठीक ठाक अभी प्लेन हो चुका है। तो अभी ना गाइस हम लोगों को इसके बीचों बीच ऐसे 4 होल करने हैं, मतलब कि ऐसे 2x2 का एक एरिया बनाना है। एंड फिर इसके साइड में ना गाइस हम लोगों को ऐसे 8 ब्लॉक गिनने, जैसे इस साइड वाले ब्लॉक पर हम लोगों ने 8 ब्लॉक गिनने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7
एट और नाइन्थ वाले ब्लॉक पर एक ब्लॉक प्लेस कर देना हम लोगों ने। ऐसे हम लोगों ने चारों साइड पर करना है, जैसे कि इस साइड पर भी मैं कर देता हूँ। अभी भाई गलत लग गया, रुक तो इसको तोड़ देते हैं हम लोग। ऐसे हम लोगों ने इस साइड भी करना है, तो जल्दी से इसको कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9th वाले ब्लॉक पर एक ब्लॉक प्लेस कर देना है। ऐसे हम लोगों ने चारों साइड कर देना है, तो जल्दी से हम लोग कर देते हैं। तो गाइज मैंने ना इन सारे ब्लॉक्स यहाँ पर लगा दिए, एंड अभी हम लोगों को क्या करना है, इन सारे ब्लॉक्स को ना आपस में अटैच करना है, मतलब कि इन सारे ब्लॉक्स को आपस में यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, तो इसका एक स्क्वायर बन जाएगा। तो जल्दी से हम लोग इसको भी यहाँ पर जोड़ देते हैं। ओके तो गाइस मैंने ना इन सारे ब्लॉक्स को आपस में जोड़ दिया, एंड अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हर एक कॉर्नर में हम लोगों को यहाँ पर 3 ब्लॉक्स प्लेस करने पड़ेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। देखो कुछ इस टाइप से हम लोगों को यहाँ पर ब्लॉक प्लेस करने हैं। तो इस वाले कॉर्नर पर भी मैं ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 3 ब्लॉक प्लेस करने हैं, एक एक यहाँ पर ब्लॉक प्लेस करना है, एक 2 उसके साइड में प्लेस करने हैं। ऐसे हम लोगों ने नीचे भी प्लेस करने हैं कुछ ऐसे। तो हम लोगों ने ये चारों कॉर्नर में करना है, तो फटाफट से हम लोग इनको भी लगा देते हैं। ओके तो गाइस मैंने अभी ना इनको प्लेस कर दिया, एंड अभी हम लोगों को एक पंपकिन को किसी भी साइड पर प्लेस करना है, एंड देखना कि जो उसका एरो है ना वो बाहर की साइड होना चाहिए। जैसे कि इस वाले पंपकिन का एरो बाहर की साइड है, तो हम लोगों को यहाँ पर पोर्टल इस साइड पर बनाना पड़ेगा। तो इस साइड पर जो हमारा पोर्टल है वो बन जाएगा, तो मैं फटाफट से यहाँ पर पोर्टल बनाना भी स्टार्ट करता हूँ। एंड वाटर बकेट भी आएंगे यहाँ पर, तो वाटर हम लोग बाद में डाल देंगे, वरना हम लोगों को दिक्कत आएगी यार, ठीक है। तो गाइज मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 पोर्टल ही बनाऊंगा, अगर मैं ज़्यादा पोर्टल बनाऊंगा तो हमारा गेम यहाँ पर लैग मार सकता है, एंड हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हम लोग ना यहाँ पर 2 पोर्टल ही बनाएंगे, आप लोग भी 2 पोर्टल ही बनाना। तो आप लोगों को यहाँ पर 2 ब्लॉक ऐसे प्लेस करने हैं। इसके बाद गाइज हम लोगों को यहाँ से 6 ब्लॉक गिनने पड़ेंगे, एंड जो 7th ब्लॉक होगा वहाँ पर हम लोगों को एक ऑब्सीडियन प्लेस करना है। जैसे कि 2 ब्लॉक तो मैंने लगा दिए हैं, एंड अभी 3, 4, 5 और ये 6, एंड अभी यहाँ पर ऑब्सीडियन लग जाएगा, तो ये गलत लग गया, इस ब्लॉक को हम लोग तोड़ देते हैं। एंड अभी यहाँ पर एक ऑब्सीडियन लगा देते हैं हम लोग पहले तो, एंड यहाँ पर एक ऑब्सीडियन को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, एंड अभी यहाँ पर एक ऑब्सीडियन लग जाएगा। एंड पिछले वाले ब्लॉक को आप तोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है। ओह नो भाई यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और फटाफट से हम लोग यहाँ पर सो जाते हैं, वरना यहाँ पर काफी सारे मॉब्स हैं, मार कर हम लोगों को मार देंगे। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं भाई यार भाई कितने सारे मॉब्स आ चुके हैं गाइस यहाँ पर। भाई नो भाई बेड ले लो भाई पहले तो। ओके तो यहाँ पर एक ज़ॉम्बी पीछे पड़ चुके हैं मेरे, भाई एक नहीं है 2 ज़ॉम्बी मेरे पीछे पड़ चुके हैं, यहाँ पर बचकर रहना पड़ेगा। एंड भाई ये अपने आप मर जाएंगे बस थोड़े से टाइम, एंड भाई इस ज़ॉम्बी को तो मैं अपने आप मार दूंगा। भाई तू मेरे पास आ जा और ये ले भाई, एक ही फटके में मर गया, बाकी ज़ॉम्बी तो अपने आप मर गए। एंड भाई अभी हम लोग हमारा पोर्टल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाइस हम लोगों के यहाँ पर ना 18x11 का एक पोर्टल बनाना है, तो फटाफट से हम लोग इसको बना लेते हैं। जो मैं ये नीचे से ऑब्सीडियन लगा रहा हूँ ना, तो ये इसके अंदर ही रहने चाहिए, मतलब कि इस लाइन से ये बाहर नहीं जाने चाहिए, तो मतलब कि इसके अंदर ही रहने चाहिए जो मैं ये नीचे से ऑब्सीडियन लगा रहा हूँ। तो फटाफट से मैं इनको भी कंप्लीट करता हूँ। तो ये वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी है, एंड अभी हम लोग यहाँ पर वाटर बकेट लगाकर ऊपर चलते हैं। एंड अभी हम लोगों को यहाँ से ना 11 ब्लॉक हाइट तक ऊपर जाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्सीडियन तो यही हो गया, एंड अभी यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो गाइस जैसे कि यहाँ पर 11 ब्लॉक हम लोग हाइट तक आ चुके हैं, एंड वैसे ही हम लोगों को उस साइड पर भी 11 ब्लॉक हाइट तक जाना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पर करता हूँ MLG। ओके तो यहाँ पर MLG हमारी बहुत परफेक्ट हुई है गाइस, एंड अभी हम लोगों को सेम उस साइड पर भी करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर 11 ब्लॉक हाइट तक जाते हैं यहाँ पर से भी। ओके तो गाइस मैं यहाँ पर 11 ब्लॉक हाइट तक पहुँच चुका हूँ, एंड अभी इसको ना यहाँ पर जोड़ देना, वहाँ तक इसको पूरा जोड़ देना, तो हमारा 18x11 का यहाँ पर पोर्टल बनकर रेडी हो जाएगा। तो फटाफट से मैं ना इसको वहाँ तक जोड़ देता हूँ पूरा। तो गाइज हमारा 18x11 का जो पोर्टल है वो बन के रेडी हो चुका है, एंड अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ना इस ऑब्सीडियन के आगे 4 ब्लॉक लगाने हैं कुछ इस टाइप से। देखो यहाँ पर हम लोगों ने इस ऑब्सीडियन के आगे 4 ब्लॉक लगाने हैं, तो यहाँ पर मैं 4 ब्लॉक लगा दिए गाइज। एंड अभी यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑब्सीडियन लगाना पड़ेगा, एंड अभी सेम हम लोगों को ऐसा ही 18x11 का पोर्टल यहाँ पर भी बनाना है। तो फटाफट से मैं इसको भी बना देता हूँ। तो गाइज हमारे यहाँ पर दोनों के दोनों पोर्टल बन के यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, देखो भाई कितने ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। एंड अभी हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों ने जो ये गड्ढा खोदा था ना, इसको 21 ब्लॉक नीचे तक लेकर जाना है। तो हम लोग 21 ब्लॉक नीचे तक इसको लेकर जाते हैं। ओके तो गाइस जल्दी से ना हम लोग इसको डिक करना स्टार्ट करते हैं। भाई हमारी सवल की बहुत ही ज्यादा हेल्थ कम है, कहीं ये टूट ना जाए। तो यहाँ पर ओ भाई हमारी सवल भी टूट गई यार, तो इसको हाथ से तोड़ना पड़ेगा जितने भी यहाँ पर डर्ट है। ओके तो हमने डर्ट तोड़ दिया, हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं 1, 2 एंड 3। ओके तो मैं यहाँ पर 3 ब्लॉक अभी तक नीचे पहुंचा हूँ, एंड हम लोग को 21 ब्लॉक पहुंचना है। तो फटाफट से मैं इनको भी कंप्लीट करता हूँ।
तो गाइज मैंने यहाँ पर 21 ब्लॉक नीचे तो आ चुका है एंड मैंने यहाँ पर एक एरिया बना लिया है एंड आप लोग अपने हिसाब से एक एरिया बना लेना। तो मैंने अपने हिसाब से एक एरिया बना लिया एंड अभी हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ से ना हम लोगों को 4 ब्लॉक छोड़ने हैं इसकी सीट से लेकर एंड हम लोगों ने यहाँ पर 4 ब्लॉक छोड़ दिए एंड हम लोगों ने तीसरे ब्लॉक पर यहाँ पर 2 चेस्ट प्लेस करनी पड़ेंगी और फिर हम लोगों को इन चेस्ट के साथ में होपर को अटैच करना पड़ेगा। तो 4 होपर हम लोग ले लेते हैं एंड इनको अभी चेस्ट के साथ में हम लोग अटैच कर देते हैं। क्राउच करके अटैच करना वरना अटैच नहीं होंगे। तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने होपर को अटैच करना है चेस्ट के साथ। तो ये अटैच हो चुके हैं और अभी ना इसके साइड साइड में हम लोग इन ग्लास लगा देने हैं। आप मैं यहाँ पर ग्लास लगा रहा हूँ, आप लोग कोई सा भी ब्लॉक यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इनके चारों तरफ ग्लास लगा देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर ग्लास लगा दिए एंड अभी हम लोगों को इन होपर के ऊपर यहाँ पर कुछ स्लैब लगाने हैं। 4 स्लैब हम लोगों को इन होपर के ऊपर लगा देने हैं एंड अभी हम लोगों को यहाँ से एक रास्ता बनाना पड़ेगा हमारे बाहर निकलने का। तो आप लोग किस टाइप से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर स्टेयर बनाकर जाने वाला हूँ तो आप लोग भी यहाँ पर स्टेयर बनाकर जा सकते हो या फिर आप लैडर भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टेयर बनाकर जाने वाला हूँ तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक रास्ता बना लेता हूँ बाहर निकलने का। ओके तो ये हमारा रास्ता बन चुका है एंड भाई ये मैंने थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दिया है। तो गाइज हम लोगों को ना यहाँ पर 4 साइन बोर्ड भी प्लेस करने हैं। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हम लोगों ने 4 साइन बोर्ड लगा दिए। इसके बाद गाइज जहाँ पर हमारे पंपकिन के एरो बाहर थी ना वहाँ पर हम लोगों ने पोर्टल के पीछे एक ब्लॉक लगाना है एंड उसके पीछे हम लोगों ने 5 ब्लॉक और प्लेस करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 ब्लॉक अभी लगा दिए हैं। उसके बाद गाइज हम लोगों ने एक ऑब्जर्वर लगाना है जिसका फेस उस साइड करना चाहिए एंड उसके सामने हम लोगों ने 3 ऑब्जर्वर और लगाने हैं कुछ इस टाइप से जिनका फेस पीछे की तरफ होना चाहिए। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर 3 ऑब्जर्वर और लगा देते हैं कुछ इस टाइप से। तो हम लोगों ने इस टाइप से ऑब्जर्वर यहाँ पर लगाने हैं एंड उसके बाद गाइज हम लोगों ने इनको ना पूरे को कवर कर देना है यहाँ पर कुछ इस टाइप से जैसे मैं कवर कर रहा हूँ। एंड गाइज हम लोगों को ना यहाँ पर ब्लॉक नहीं लगाना है, इस वाले ब्लॉक को हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर ना एक डिस्पेंसर आएगा तो यहाँ पर एक डिस्पेंसर लगा देना। फिर गाइज हम लोगों को ना इसको 2 ब्लॉक साइड तक कर देना है। तो जल्दी से मैं इसको भी कर देता हूँ। फिर गाइज हम लोगों को इनके सामने यहाँ पर ट्रैपडोर्स लगाने हैं एंड उनको ओपन कर देना है एंड फिर हम लोगों ने इन ट्रैपडोर्स के ऊपर यहाँ पर ब्लॉक लगाने हैं कुछ इस तरीके से। हम लोगों ने इस ट्रैपडोर के ऊपर ब्लॉक लगाने हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर बाहर निकल जाता हूँ एंड फिर हम लोग यहाँ पर इसको ब्लॉक लगा देना, पूरा कवर कर देना इसको। एंड हम लोगों ने यहाँ पर डिस्पेंसर के ऊपर भी एक ब्लॉक लगा देना है एंड हम लोगों ने सेम इसी तरीके का दूसरे वाले नेदर पोर्टल के पीछे भी बनाना है। तो जल्दी से मैं उसको भी बना देता हूँ। उसके बाद गाइस जो हम लोगों ने कॉर्नर में ब्लॉक लगाए थे उसके ऊपर एक वाटर बकेट हम लोगों ने डाल देनी है यहाँ पर। एंड फिर गाइस जहाँ पर ये वाला पानी आ रहा है ना इसको छोड़कर उसके सामने हम लोगों ने वाटर बकेट डालनी है एक, जैसे कि यहाँ पर उसको छोड़ दिया एंड उसके सामने एक वाटर बकेट आ गई हमारी एंड ऐसे हम लोगों ने चारों तरफ करना है। तो जल्दी से मैं उसको भी कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर ना मेरी वीडियो बीच में बंद हो गई थी तो मैं आप लोगों को भी दिला देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो मैंने ना यहाँ पर पहले तो जितने भी डिस्पेंसर है उनमें एक एक वाटर बकेट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो आप लोग भी ना यहाँ पर हर एक डिस्पेंसर में वाटर बकेट रख देना एक एक। और मैंने यहाँ पर एक पोर्टल को बंद कर दिया क्योंकि मेरा फोन ना ज्यादा लैग करने लग गया था, बहुत ही सारे यहाँ पर पिगलिन स्पॉन हो चुके थे। और भाई मैंने यहाँ पर लावा बकेट भी डाली है इस साइड में, आप लोगों ने लावा बकेट डालनी है दोनों में, आप जितने भी बनाओगे डाल लेना इस साइड में डालनी है आप लोगों ने एक एक लावा बकेट। तो फिर जो आपके पोर्टल है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे, पिगलिन स्पॉन होना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और भाई मेरे देखो कितने सारे पिगलिन से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और स्पॉन होना। तो भाई मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि मेरी एक्सपी पहले ना 15 थी और अभी मेरी एक्सपी 32 है। और मैं आप लोगों को अभी नीचे जाकर दिखाता हूँ कि कितने सारे पिगलिंस वहाँ पर स्पॉन हुए हैं। और भाई आप लोग देखो यार कितने सारे पिगलिंस है यार यहाँ पर, और हम लोग इनको मारकर अभी एक्सपी भी ले सकते हैं और जो इनका गोल्ड है वो हमारी चेस्ट में अभी जाता रहेगा। तो भाई बहुत सारा गोल्ड मेरे पास अभी हो चुका है, भाई चेस्ट मेरी फुल हो गई है गोल्ड से। और गाइस आप लोग देखो यार कितना सारा गोल्ड है हमारे पास, क्या माल है यार। और गाइस यहाँ से ना मेरे को बहुत सारी एक्सपी मिल रही है और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया वर्क कर रहा है ये वाला फार्म। तो आप लोग भी बना सकते हो अपने वर्ल्ड में। तो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में कितना, अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो और मेरा ये वाला फार्म बढ़िया लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।